टाइम चेक कर रहे हो आप, सुबह के 8:20 हुए हैं और पीछे जो आप जगह देख रहे हो मेरे, यहाँ पे लाइन लग चुकी है। यहाँ पर मिलता है एक ट्रेडिशनल डिश है पाकिस्तान की, जिसके पीछे लोग यहाँ पे क्रेजी हो रहे हैं। और ये डिश पूरे पंजाब में सिर्फ यही मिलती है, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए। और 3 दिन के लिए इसका पूरा क्रेज रहता है लोगों में, लोग वेट करते हैं साल में कैलेंडर पर देखते हुए कि ये 3 दिन कब आएंगे। आप जो पीछे चेक कर रहे हो ना, ये बन रहा है पाकिस्तान का ट्रेडिशनल फूड। तो वो क्या चीज़ है, आओ आपको चेक करवाते हैं। मैदे का पेड़ा, ये पेड़ा बन रहा है, देखो आप। इस पर घी लग के ना इसको राउंड शेप में किया जा रहा है, जैसे नॉर्मल हम कोई तंदूरी रोटी का भी पेड़ा बनता है, थोड़ा पेड़ा वैसा ही है, पर इसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो ये स्टेप के बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप जो हो रहा है। पेड़ा होने के बाद ये पेड़ा यहाँ पे आ रहा है और इसको थोड़ा फ्लैट किया जा रहा है। ये चेक करो आप कैसे फ्लैट हो रहा है, हाथ के साथ ही बिना कोई बेलन। ये सर सॉफ्ट होने की वजह से हाथ से ही हो जाता है, बेलन नहीं यूज करते इसके आप? बेलन का लोड नहीं इस पे पड़ता। ये गीला होता है, इस पे बेलन चलता नहीं। अच्छा, ये हाथ से ही हो जाता है, ये हाथ ही से बनता है। और ये क्या आप भर रहे हो बीच में, ये छंटा अमृत घी, छंटा बोलते हैं इसको, छंटा। वाह, ये घी है बेसिकली और इसको छंटा बोला जाता है। अच्छा, ये इसमें भरने के बाद आप ऐसे ही बंद कर देते हो इसको? हाँ, इसको बंद करके फिर दोबारा वो गोल होता है, गोल वहाँ देखो हो रहा है। अच्छा, वो अगला स्टेप है, पहले आप ये चीज चेक करो, बीच में छंटा भरा जा रहा है उसी पेड़े के अंदर। अभी तक आपको पता नहीं लगा होगा कि आइटम ये है क्या, क्योंकि जितने भी आप देख रहे हो आपको पता ही नहीं होगा ये चीज है क्या असल में। तो अगले स्टेप पे आप आओ, ये जो पेड़ा तैयार हो रहा है अब इसको दोबारा गोल किया जाएगा, इसके अंदर छंटा भरा हुआ है घी जिसको बोलते हैं हम, उसको परफेक्ट राउंड बॉल शेप में दोबारा गोल करके ऊपर घी लगाया जाए। ऊपर घी भी लगा रहे हो सर? तेल, तेल वही रिफाइंड हल्का सा। जी जी जी, जिससे थोड़ा और मुलायम हो जाए ना। हाँ। थोड़ा घी ऊपर और लगाया जाए थोड़ा और मुलायम करने के लिए उसको। तो प्रोसेस देखो यार कितना बढ़िया और सही है और कितनी स्पीड में हो रहा है। यहाँ पे मॉर्निंग 4 बजे ना ये शुरू कर देते हैं, बैसाखी वाले दिन 13 तारीख को, और 13 तारीख मॉर्निंग 4 बजे यहाँ पे बाहर लाइन लगने लग जाती है इस चीज़ के लिए। तो आप खुद ही सोच लो क्या चीज़ है यार, कि जिसके लिए लाइन लगा रहे हैं लोग। तो एक अभी कढ़ाई में ये बन रहे हैं। एक बार में कितने आए थे भैया कढ़ाई में? 6 पीस है ना, अभी 6 ही लगे हुए हैं। एक बार में 6 आते हैं और 6 ही पीस अभी लगे हुए हैं कढ़ाई में। ये एक साइड से पक रहा है, दूसरी साइड से नहीं लगता? ये सिंगल पक रहा है एक साइड। अच्छा, एक साइड। अब ये ऊपर देख रहे हो, ऊपर की साइड ऐसी है, ये बन रहा है और वो है फाइनल प्रोडक्ट, एकदम लाल हो जाता नीचे से। और इसमें एक सिंपल ट्रिक खेली आ रही है, यहाँ पे इसके अंदर एक होल किया जाता है फिंगर मार के, ताकि ये फूले ना पूड़ी के जैसे, फूलने के लिए रोकने के लिए ना, हाँ मोरी कर देते हैं ताकि फूले। पैकेज है ना, ये कोई हमारा नॉर्मल स्ट्रीट फूड नहीं है, ये है पाकिस्तान का प्यार। तो प्यार है ना वो अकेले नहीं ले जाता, सबके साथ साझा किया जाता है। तो आओ फिर प्यार साझा करें। हाय गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज की जो लोकेशन है और जो जगह है वो है फूड मोहल्ला गुरुद्वारा सिंह सभा के पास, सिदाना स्वीट्स। और ये क्लिप स्पेशली आपको लोकेशन बताने के लिए बनाया गया था। तो हम फटाफट शुरू करते हैं। अब आते हैं चीज़ पे, अब आपको कुछ दिखाते हैं। ये आप दिख रहे हो, इसको बोलते हैं मरस्से। ये इसका फर्स्ट इंप्रेशन है, थोड़ा सख्त सख्त से है बाहर से, उसकी क्रस्ट है थोड़ी सख्त है, गर्मा गर्म मरस्से, इसको बोलते हैं मरस्से। पहले हम ये टेस्ट करते हैं, फिर जो फाइनल हमारा है द थिंग जिसके लिए हम यहाँ आए इतनी दूर। ये चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हो कि इंडियन पंजाबीज ट्राइंग पंजाबी फूड ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम। बोलना नहीं आया मेरे को, बाकी समझो रिएक्शन है, ये फीलिंग समझो। लाइनों पे ज़्यादा फोकस मत देना। ये देखो ऊपर से थोड़ा
क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। गुड़ डाला हुआ है, हाँ जैगरी का पूरा फ्लेवर है। ऑलमोस्ट टेस्ट लाइक हम वो खाते हैं ना गुलगुले, गुलगुले जैसा स्वाद है इसका। टेस्ट वैसा बट टेक्सचर वैसा नहीं है। देखो ट्रेडिशनल फूड खाने का ना ये मज़ा है। ट्रेडिशनल चीज़ें हम इतनी पीछे छोड़ चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो चीज़ें हैं ना पूरे साल में सिर्फ 3 दिन मिलती हैं, 11, 12, 13, 14 को ये बनाते हैं, पर कंफर्म नहीं होता कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो 13 को पता लगता है। तो ये चीज़ अगर आप अभी खा लोगे 1, 2, 3 ये 3 दिन आपके पास टेस्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर भाई बारी आएगी अगले साल। हाँ पूरा साल नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा, ऐसी चीज़ है। और ये एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए लाए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना कि लुधियाना में भी ये सब मिलता है यार। गर्मा गर्म चेक कर रहे हो आप ये भाई, रखेंगे कहाँ पे, प्लेट नहीं लेके आए अपन। सो गाइस वी आर सक्सेसफुल, हमने प्लेटिंग कर ली है, हमने अपनी प्लेट बना ली है खाने के लिए, गर्म बहुत है, नीचे हाथ रखा नहीं जा रहा। इसमें आप लेयर्स देखो बहुत ही सही, लाल पड़ा बिल्कुल पीछे से, और बिल्कुल लाल से मेरे को याद आया एक और बटन होता है लाल, जो आप लाल ही रहने देते हो, अब ये भी खत्म हो जाएगा तो बटन भी खत्म करो, सब्सक्राइब दबा दो। ये जो चीज़ है ना ये पैटीज में मिलती है हमें। हाँ पैटी जैसा ही क्रच है। और इसमें ना एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, कहने को सिंपल चीज़ है पर बहुत उसका ना मेन रोल है इसमें, इसमें होल है, ये पूरी जैसा फूला नहीं है सिर्फ इसी होल की वजह से। लुक एट दिस, इसमें लेयर्स देखो यार भाई, लाओ जल्दी भूख लग रही है, चीज़ गर्मा करें। अब ये पहले भी जो चीज़ हमने खाई है वो लाइफ में पहली बार खाई है मैंने, तूने पहली बार खाई है, हम दोनों ने तो पहली बार खाई है, और मेरे को ये भी लगता है कि हमारी जनरेशन के जितने लोगों ने खाई होगी नहीं ये चीज़, उन्हें पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा क्योंकि हमें भी पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ और सिर्फ सही है चैनल पे। तो ये पहली बाइट है कतलम्मा की, नाम थोड़ा सुन लो आप दोबारा से, कतलम्मा। इसका प्राइस 200 रुपये किलो है, किलो में लगभग 4 पीस आते हैं। हाँ किलो में लगभग 4 पीस आ जाते हैं इसके, तो इसका टेस्ट करते हैं पुराने पंजाब। चीयर्स। बेहतरीन, लजीज, नज़ारेदार जायका पंजाब का। ये ना आप देखो इसको असली मज़ा ना गर्मा गर्म खाने का है। ये आपको इसका टेस्ट आपको कैसे समझाऊँ मैं, हम पूरी चने खाते हैं, जो पूरी होती है ना ये पूरी का प्रो लेवल है यार, लच्छे तो देखो ये प्रो लेवल की पूरी है, पर इसका जो टेस्ट है ना वो पूरी जैसा नहीं है, ये थोड़े नमकीन फ्लेवर में है, पर क्रंच भी इसका ना पूरी से ज़्यादा अच्छा है। और ये वाकई वो लेयर्स में आ रहा है, वाकई सही बात है, ये सबसे ज़्यादा मज़ा ना इसका चने के साथ ही आएगा। चने कैसे भी हो चाहे आप यहाँ से ले जाओ, घर पे चने बना लो, घर के चने के साथ भी खा सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। चने थोड़े ड्राई रखना बस, ग्रेवी वाले ना हो, सूखे सूखे चने हो ना मज़ा बड़ा आएगा, बट गर्मा गर्म। हाँ खतरनाक चीज़ है यार, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे खाने को मिला, सही बात है। आप समझ सकते हो सुबह 4 बजे लाइन लगना, तो उस चीज़ में कुछ तो बात होगी जिसके लिए वेट लोग इतना वेट कर रहे हैं। और एक और चीज़ है यार, आप साल भर हम चीज़ें खाते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ है, इसका टेस्ट करोगे ना एक बार बनता है, क्योंकि ये चीज़ 3 दिन मिल रही है, तो कोई तो बात है जो 3 दिन ही मिलती है पूरे साल में। और ये नहीं खाया ना तो कुछ नहीं खाया, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, मैंने आज तक नहीं बोली, बट ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। हमारे चैनल की एक ज्वेलरी है जो हमने बना दी है। हाँ। ये सालों साल हमें याद रहेगी, सही बात, ऐसा टाइम आ रहा है ये वीडियो, ये चीज़ जो हमने खाई है, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा कब मौका लगेगा, अगले साल आए पाएंगे कि नहीं खाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड होप यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और हमें अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा लगता है हमारा काम, कुछ सजेशंस हैं अगर आपके तो हमें बताओ यार, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने में सुधार लाएंगे। शेयर करना मत भूलना, इन्होंने तो बोलते रहना। ओके बाय।